जैसे आप लोग सोते हो ना तो रात भर मतलब पूरा जो कुछ भी ऑयल होता है ना, तभी मतलब एक फेस पैक के बारे में बताओ जो बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है। अब देखो मेरे दोस्त, वैसे तो ऑयल ना सबके फेस पे आता है, बट जो हमारे फेस पे नेचुरल ऑयल जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सीबम, ठीक है। और वो हमारे स्किन के लिए हेल्पफुल भी होता है, मतलब उससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और फिर हेल्दी भी रहती है। बट प्रॉब्लम कब होती है, जब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वो ऑयल जब फेस के ऊपर मतलब प्रोड्यूस होता है, तब मतलब हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि भाई मतलब मेरी ऑयली स्किन है, बहुत जल्दी ऑयल आने लगता है, बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है, फिर हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और तुम लोग की मतलब एक बात बताओ, क्या अच्छा लगता है यार, मतलब तुम लोग वैसे उसको रहने देते हो और फिर उसके ऊपर पोल्यूशन गया, या फिर मतलब जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर डर्ट, जैसे मतलब गलत कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर लिए तो उस वजह से ना वहां पे पिंपल हो गए या फिर डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज के वीडियो में तुम लोग को मैं प्रॉपरली बताऊंगा, तो उसको प्लीज फॉलो करना और वीडियो को भी जरूर सपोर्ट करना। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं फेस वॉश की बात करूं तो ठीक है, फेस वॉश नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि मतलब फेस वॉश करेंगे तो पूरा ऑयल निकल जाएगा। देखो मेरे भाई, मतलब 90% तो फेस वॉश के अंदर केमिकल्स होते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली स्टोर रह सके या फिर जो कुछ भी हो, बट देखकर मैं ये कह रहा वो बुरे होते हैं। बट अगर आप लोग अच्छा मतलब फेस वॉश कोई भी लोगे तो ठीक है, बट दो बार दिन में दो बार आप लोग के लिए वो सही रहेगा, एक बार मॉर्निंग में, एक बार सोने से पहले। बिकॉज सोने से मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग सोते हो तो उसके बाद जैसे उठते हो तो बहुत ज्यादा मतलब नोज वाले एरिया में मतलब नॉर्मली ऑयल ज्यादा आने लगता है, और ये मेरे साथ भी होता है प्रॉब्लम। बट मेरी स्किन मतलब कंबाइन वाली है, ऑयली स्किन नहीं है। बट जिन लोग की ऑयल है तो फेस के ऊपर भी आता है या फिर मतलब फोरहेड के ऊपर भी आता है। आप लोग जो नॉर्मल प्लेन वाटर होता है उससे अपने फेस को वॉश कर सकते हो, और फेस वॉश दो ही बार करना है और उसके अंदर मेंथॉल नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार मतलब मेंथॉल वाले फेस वॉश लेते हैं और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी तो अच्छा फील हो रहा है। और उसमें अगर मैं बात करूँ तो सैलिसिलिक एसिड वाले जो कंटेंट वाले फेस वॉश होंगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होंगे। और चाहो तो मैं एक अच्छे फेस वॉश के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नॉर्मली सभी लोगों के लिए मतलब सबके लिए बेस्ट चीज के बारे में बताओ तो वो है एलोवेरा जेल। अब देखो एलोवेरा जेल मतलब मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं तुम लोग को बता रहा हूँ, जो नेचुरल एलोवेरा का जो मतलब प्लांट होता है उसके अंदर जो आप लोगों ने जेली टाइप देखा होगा, तो उसको अगर अपने फेस के ऊपर आप लोग प्रॉपर मसाज करोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा सही है। अब देखो बहुत बार मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि लेमन वगैरह भी यूज करते, इवन मैंने भी बहुत पहले मतलब बताया था। अब देखो 2008 के मतलब अकॉर्डिंग जब स्टडीज हुई थी तब बताया गया था कि मतलब उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है लेमन के अंदर, और लेमन होता है एसिडिक, ठीक है, तो एसिड की वजह से वो जो ऑयल होता है ना तो उसको वो एब्जॉर्ब करने में मतलब हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए लेमन को भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कहूंगा कि आप लोग लेमन के अंदर थोड़ा सा अगर वाटर मिक्स करोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सही रहेगा। देखो ये सारी चीजें तो यूज कर लेंगे, बट जब हम बाहर होते हैं, ठीक है, तो बाहर तो भी लेमन या फिर फेस वॉश वगैरह बार बार तो नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे ऑयल आएगा तो देखो तुम लोग के लिए बेस्ट चीज होगा वो ब्लोटिंग पेपर हो गया, या फिर जो वाइप्स होते हैं, ठीक है, कॉटन, जो कॉटन के वाइप्स होते हैं या फिर जो वेट वाइप्स होते हैं, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। सिर्फ आप लोगों को रब नहीं करना है, तो नॉर्मली आप लोगों को मतलब प्रेस करके उसको प्रॉपरली क्लीन करने अपने फेस को, तो वो मतलब आप लोग कैरी कर सकते हो। जैसे आप लोग बाहर से आते हो तो मतलब बहुत सारे लोग कुछ भी मतलब अपने फेस के ऊपर मतलब अप्लाई नहीं करते, फिर फेस को क्लीन नहीं करते। देखो मेरे भाई, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को फिर से फेस वॉश करना है, ठीक है, फेस वॉश आप लोग दो ही टाइम रखो, एक बार सोने से पहले या फिर एक बार मॉर्निंग में, ठीक है, दो टाइम फिक्स हो गया। अब बीच में आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोग बाहर से आते हो ना तो नॉर्मल ठंडे पानी से फेस को वॉश करना है, उसके बाद आप लोग ना रोज वाटर का यूज कर सकते हो। अब देखो रोज वाटर ना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, सिर्फ आप लोगों को रोज वाटर जो कुछ भी मतलब प्रोडक्ट लोगे तो उसके पीछे पैराबिन नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स के मतलब मैंने देखा है कि पैराबिन होता है, तो वो बस आप लोग देख के लेना। और सेकेंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर के बारे में कहते हैं कि भैया मतलब कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें, हमारी स्किन ऑयली है। तो देखो बहुत सारे मतलब ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी आ रहे हैं, बट अगर आप लोगों के फेस में बहुत ज्यादा ऑयल आता है तो फिलहाल आप लोग मॉइस्चराइजर यूज नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा। तो आप लोग रोज वाटर यूज करना, मतलब फेस वॉश करने के बाद मॉर्निंग में हो गया या फिर जैसे बाहर से आते हो तो कॉटन पैड पे लेके आप लोग को अपने फेस को क्लीन कर लेना है। ये सारी चीजें करोगे ना तो आप लोग के फेस पे मतलब बहुत ज्यादा ऑयल नहीं आएगा, और उसके साथ साथ जो बाकी के प्रॉब्लम्स होते हैं ऑयल की वजह से, आप लोगों को भी पता है पिंपल हो गया, फिर बाकी के सारी जो फेस की दिक्कतें होती है ना तो वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके साथ साथ एक फेस पैक के बारे में बताओ जो बहुत ही ज्यादा सही चीज है और बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मुल्तानी मिट्टी के बारे में भाई तो आप लोगों ने तो सुना होगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में भी कहा था कि देखो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लेना है और उसके साथ साथ रोज वाटर को ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद आप लोगों को पूरा पेस्ट अपने फेस के ऊपर लगाना है। अब मुल्तानी मिट्टी काम क्या करता है, वो जो कुछ भी मतलब ऑयल होता है, ठीक है, जो एक्सेस ऑयल होता है उसको वो रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब ये
डेली नहीं करना है आप लोगों को, तो आप लोग इसको मतलब वीक में 3 से 4 बार कर सकते हो। 15 से 20 मिनट के लिए आप लोग को वैसे ही रहने देना, तो इसको भी जरूर ट्राई करना। तुम लोग तो इतना सब कुछ कर लोगे, बट मेरे भाई इतना ही सब कुछ काफी नहीं है। सिर्फ देखो प्रोडक्ट्स हो गया या फिर फेस पैक वगैरह हो गया तो उससे मतलब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। देखो तुम लोग क्या खाते हो ना, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम लोग की बॉडी ना प्रॉपर डिटॉक्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा मतलब 3 से 4 लीटर आप लोगों को नॉर्मली मतलब पानी पीना है। एटलीस्ट 2 लीटर तो आप लोगों को कुछ भी करके पीना ही पीना है। इसके साथ साथ जहां कहीं पे भी आप लोग सोते हो, ठीक है, जो कुछ भी कुशन हो जाए तो उसके कवर्स भी चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हफ्ते में हो गया या फिर हफ्ते में 2 बार ऐसे आप लोग सोते हो ना, तो रात भर मतलब पूरा जो कुछ भी ऑयल होता है ना, तभी मतलब वो ज्यादा बाहर निकलता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सुबह उठते पूरा फेस ऑयली सा हो जाता है, तो वो सारी चीजें मतलब जहां सोते हो तो वहां पे पूरा मतलब वो वहां पे बैक्टीरियल हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो वहां पे वो मतलब स्प्रेड हो जाता है। उसको हम लोग वैसे ही यूज करते, तो प्लीज उसको वैसा नहीं करना। आप लोगों को बीच में उसको वॉश भी करना है, उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी अपने डाइट में जरूर ऐड करना है। तो आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना से उतना शेयर कर दो, और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते। तो ब्रो मिलते हैं।